यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए मैं सूरन का अचार बनाऊंगी। इसे कैसे रीतते हैं से करके कद्दूकस करेंगे। फिर इसमें जो है सारा सामग्री पड़ेगा। दो तीन दिन में खाने लायक बन जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो तुरंत भी खा सकते हैं, इसे धूप धूप में रख कर एक दिन बाद खा सकते हैं। ये आम है, मिक्सर में पीस ली हूँ गरबरा। ये अदरक है, ये लहसुन है, ये पचफोरन है सारा जो होता है। ये हल्दी है, नमक, तेल, मिर्चा, इसे बॉल लेंगे। इसमें इसे मिलाएंगे, पहले ये डालेंगे सूरन, इसे सूरन डालेंगे इसमें अच्छे से। सूरन डालकर मिलाना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और ये है, और ये आम है, इसमें आम मिक्सर में हल्का दरबरा कर ली, अच्छा खट्टापन आ गया। इसमें नींबू डालने का जरूरत नहीं होगा आपको। और ये आम हो गया, ये अदरक है, ये लहसुन है, लहसुन मेरा जरा थोड़ा ही है, कम है, आप अपने स्वाद अनुसार। हमारे घर पर जरा लहसुन सबको पसंद नहीं है, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और ये हल्दी है, हल्दी है, ये मसाला है, इसे पचफोरन बोलते हैं। ये मिर्च है, इसे भी हम भूज लीजिएगा, पहले भूज कर पीसिएगा, अच्छा तब स्वाद अच्छा आएगा। और इसमें नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार डालिएगा उनके अंदर ना। और इसमें तेल डालेंगे, अब इसे मिला लीजिए अच्छे से। और ये एक दिन बाद या तुरंत भी खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं स्वाद कैसा है, अच्छा है या नहीं है, जैसे से मिला लीजिए। मिलाकर ऐसे ऐसे मिला दिए, तेल और डाल दी थोड़ा, मिला लीजिए। ये आप इसे जरा, मेरे गले में खराश है, और इसे धूप में रख दीजिएगा और खाने लायक दो। इसमें ये खाएंगे, इसमें स्वाद भी अच्छा लगेगा, टेस्टी भी है। और लहसुन जो है आपको गैस और इसका प्रॉब्लम है वो भी अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें अनेक प्रकार की बीमारी भी चला है उसके लिए भी ठीक है, अच्छा है, अच्छे से खाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन घंटी दबाइए।